आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉजिक गेट्स। ये हमारा सीएस का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर 3 का। अब हमने देखने की भाई सबसे पहले कितने टाइप के गेट्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गेट है दैट इज समवॉट लाइक दिस, इस तरीके का। और इस गेट का नाम है हमारे पास नॉट गेट। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो गेट है दैट इज दिस वन। ये हमारे पास कौन सा गेट है भाई? एंड गेट। फिर उसके बाद एक ये वाला गेट आता है, ये कौन सा गेट है भाई? और गेट। तो हमारे पास टॉप 3 गेट्स आ गए जो कि यूज हो रहे होते हैं, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट। अब इसी के साथ एक गेट और आता है जो कि हमारे पास और की तरह दिखेगा, एंड दैट गेट इज जोर गेट। देन वी हैव नॉट गेट, नॉर गेट, एंड फाइनली एट लास्ट वी हैव नैंड गेट। ठीक है, वैसे हमारे पास क्या आ गए? कुछ गेट्स आ गए। अभी नहीं, गेट्स को यूज करते हुए हमें अपना ना पूरा का पूरा सर्किट ड्रॉ करना होता है। सो बना लो जल्दी से अपने पास। इसके ट्रुथ टेबल को याद रखने के लिए हमने एक काम करना है, और वो क्या है भाई? ये कुछ चीजें, कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं अपने फ्रेज, ताकि हम उसको याद रख सकें। एक एक करके एक एक गेट को लेंगे और उसका यूज करेंगे। स्टार्टिंग थिंग्स अप विद नॉट गेट। अगर हम नॉट गेट को देखें तो जो हमारा नॉट गेट है इसके अंदर कितने इनपुट जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट जा रहा है। ये जो लाइन है हमें क्या बताएगी? इनपुट। सो अभी इसके अंदर सिर्फ कितने इनपुट जा रहे हैं? एक इनपुट जा रहा है। सो ये जो वन की फॉर्म है, ये किस फॉर्म में जा रहा होगा? या तो जीरो या फिर वन की फॉर्म में। अब जो यहाँ से इसका आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट इसका क्या होगा, हमने वो देखना है। इस इनपुट को मैंने मार्क कर दिया ए, और जो यहां से इसका आउटपुट निकलेगा उसको मार्क कर देते हैं एक्स। अगर फॉर इंस्टेंस यहां पर इनपुट जाता है हमारे पास वन, तो इसका आउटपुट जो निकलेगा वो क्या होगा भाई? इस वन का ऑपोजिट या फिर इनवर्स। ठीक है, वो जो हमारे पास इसका आउटपुट निकलेगा वन का, वो क्या होगा? इसका इनवर्स होगा। अब इनवर्स इसका क्या मतलब होगा भाई? इसमें हमारे पास सिर्फ दो चीजें यूज होंगी, एक या तो जीरो या फिर वन। So, जो भी इसका इन्वर्स होगा दैट वुड बी जीरो। अगर यहाँ जीरो लिखा होता तो जीरो का इन्वर्स क्या होता? वन होता। क्या चीज समझ आई? ठीक जी सर, है, ये तो हमारे पास
था कि भाई अगर हमारे पास कोई भी इनपुट जा रहा हो किसके अंदर नॉट गेट के अंदर, तो उस इनपुट का आउटपुट क्या होगा, इनवर्स वैल्यू होगी। अगर वन जा रहा है तो जीरो आउटपुट होगा, अगर जीरो जा रहा है तो वन आउटपुट होगा। अब हमें देखना कि भाई ये बूलियन में किस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेड हो। सो वी हैव टू फॉर्म्स, वन इज बूलियन, अनदर वन इज लॉजिकल नोटेशन। लॉजिकल नोटेशन में हम किस तरीके से इसको लिखेंगे भाई, जो भी इनपुट है उस इनपुट के साथ नॉट लिखना है, ठीक है। जो भी इनपुट है उसके साथ क्या लिखेंगे भाई, नॉट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ए। अगर यहाँ पर होता बी, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉट बी। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल नोटेशन। और यही चीज अगर मुझे बुलियन फॉर्म में लिखनी होती तो वो कैसे लिखूंगा, इनपुट लिखा, इनपुट लिखने के बाद उसके ऊपर हैट, इस तरीके से इनपुट लिखा उसके ऊपर हैट, बी है तो बी लिखा उसके ऊपर हैट, एक्स है तो एक्स लिखा उसके ऊपर हैट। क्या चीज क्लियर हुई, नॉट गेट। ठीक है, अगले गेट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वी हैव एंड गेट। एंड गेट पे क्या है भाई, हमारे पास दो इनपुट जा रहे हैं, ठीक है, दो इनपुट जा रहे हैं। सो मैंने कहा एक इनपुट मैंने बोल दिया ए और दूसरा इनपुट बोल दिया क्या बी, और निकलेगा कितने आउटपुट निकलेंगे, एक आउटपुट निकलेगा, दैट वुड बी एक्स। सो अगर हमारे पास एंड गेट पर दो इनपुट जा रहे हैं तो आइदर इट कुड बी अ जीरो और इट वुड बी वन, और जो इनपुट हम लेंगे वो कॉम्बिनेशन में लेंगे जीरो और वन के, ठीक है। इनपुट किस तरीके से लोगे भाई, कॉम्बिनेशन में लोगे जीरो और वन के। जैसे कि या तो हमारे पास जीरो और जीरो दोनों जीरो एज इनपुट जा सकता है, या फिर हमारे पास दोनों वन एज इनपुट जा सकते हैं, या फिर हमारे पास एक वन एक जीरो जा सकता है, या फिर एक जीरो एक वन जा सकता है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास, फोर कॉम्बिनेशन आ गए जीरो और वन के। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ट्रुथ टेबल के इनपुट सेट हो गए। मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि भाई किस तरीके से हमें इनपुट लेना होगा। सो दिस इज ए बी, सो कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे लेफ्ट मोस्ट इनपुट होगा हमारा, ठीक है, जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट इनपुट होगा उसमें हम किस तरीके से कॉलम फिल करेंगे देख लो। एक वन लिखा, एक जीरो लिखा, या फिर जीरो वन जीरो वन, इस तरीके से। क्या जी समझ आई, जो भी हमारे पास लेफ्ट मोस्ट इनपुट होगा, ये हमारा एक्स क्या है, आउटपुट है, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट इनपुट हमारे पास कौन सा है, सॉरी राइट मोस्ट इनपुट हमारे पास कौन सा है, बी। सो जो भी हमारा राइट मोस्ट इनपुट होगा उस पर हम किस तरीके से लेंगे भाई, इनपुट जीरो वन जीरो वन, इस फॉर्म में हमने ट्रुथ टेबल को फिल करना होगा, ठीक है। मोस्टली एग्जामिनर हमें ये चीज फिल हुई भी देगा, इनपुट हमें क्या करना होगा, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना होगा। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास ये चीज फिल नहीं है, तो हमने क्या कहा कि भाई जो भी हमारे पास राइट मोस्ट इनपुट होगा उसको किस तरीके से फिल करेंगे, एक जीरो लिखा, एक वन लिखा, फिर जीरो लिखा, फिर वन लिखा। क्या चीज क्लियर हुई, ठीक है। जो भी हमारा सेकंड इनपुट होगा उसको कैसे फिल करेंगे, डबल जीरो डबल वन, अगर और नीचे तक है तो और ज्यादा, डबल जीरो एंड डबल वन, ठीक है। सो अभी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और ये देख ले यहाँ पे सारे के सारे फोर कॉम्बिनेशन बन गए, दोनों जीरो दोनों वन, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। अब जब हम एंड गेट की बात करते हैं तो इसके लिए एक फ्रेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें इसकी लॉजिक बताऊंगा और साथ ही साथ फ्रेजेस भी, तो तुम उसको उसमें से कुछ भी याद कर सकते हो। ये इसका क्या गया भाई, फ्रेज आ गया। फ्रेज के थ्रू अगर हम फिल करते हैं तो फ्रेज क्या कहता है, अगर एक भी हमारा जीरो होता है इनपुट तो उसका आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। दोनों इनपुट में से कोई किसी एक इनपुट के अंदर भी क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हमने आउटपुट में क्या लिखना है, जीरो। तो बी के अंदर हमने फाइंड आउट कर लिया जीरो, आउटपुट क्या बनेगा, जीरो। ए में हमने फाइंड आउट कर लिया जीरो, आउटपुट क्या बनेगा, जीरो।
बी में दोबारा से जीरो आइडेंटिफाई हो गया, आउटपुट क्या बना? जीरो। यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है तो आउटपुट क्या बनेगा हमारा? वन। क्या ये चीज समझ आई? ठीक है, अब इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है? लॉजिक हमें कौन बताएगा? हमारा बूलियन। तो बूलियन में हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एंड गेट को? बाय यूजिंग अ मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, एंड गेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनपुट लिखा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? दूसरे इनपुट से। कंप्यूटर साइंस के अंदर मल्टीप्लाई हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? डॉट से। ठीक है, एक्स नहीं लिख देना। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, इसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो अगर हम देखें कि भाई एक इनपुट दूसरे इनपुट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी चीज को हम यहाँ पर यूटिलाइज करें या यूज करें, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय वन आंसर क्या आएगा? जीरो। वन मल्टीप्लाई बाय जीरो आंसर क्या आएगा? जीरो। वन मल्टीप्लाई बाय वन आंसर क्या आ रहा है? वन। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है बाई यूजिंग दिस फ्रेज एज वेल एज दिस बूलियन। क्या ये चीज समझ आई? देन वी हैव लॉजिकल नोटेशन। लॉजिकल नोटेशन में हमारे पास क्या है भाई, लॉजिकल नोटेशन इसकी कैसे लिखेंगे? जो भी हमारा इनपुट है, इन दो इनपुट्स को सबसे पहले लिख लिया, और इन दोनों इनपुट के बीच में क्या आएगा? गेट का नाम। इस तरीके से। क्या ये चीज क्लियर है? सिमिलरली अब हमारे पास हैं बाकी के गेट्स। और गेट को अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? दो इनपुट्स हैं। इनपुट की फिलिंग हमेशा क्या होगी भाई? सेम होगी। सो ए बी एंड एक्स। सो और गेट की लॉजिकल नोटेशन किस तरीके से होगी? एक गेट, दूसरा गेट, और गेट का नाम। गेट का नाम क्या आ गया? और बूलियन में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम? प्लस के साइन से। इसके लिए क्या फ्रेज होगा? अगर एक भी वन तो आउटपुट हमारा क्या होगा? वन। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेज अप्लाई करेंगे, तो भाई अगर एक भी वन हुआ तो आउटपुट क्या होगा? वन हो। सो यहाँ पर कोई भी वन नहीं है, आउटपुट क्या आ गया? जीरो आ गया। यहाँ पर हमें एक वन मिल गया, हमारा आउटपुट क्या आ गया? वन आ गया। एक वन मिल गया, आउटपुट क्या आ गया? वन आ गया। एक वन मिल गया, आउटपुट क्या आ गया? वन आ गया। रीजन क्या है भाई? क्योंकि ये एडिशन करवाता है। कौन? और गेट। और गेट हमारे पास एडिशन करवाएगा, तो यानी ये जो दो इनपुट है ये आपस में ऐड हो रहे हैं। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन, अभी हमने यहाँ पे वन लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? और गेट की फिलिंग हो गई। और गेट समझ आ गया? चलो अब अगले गेट पे चलते हैं भाई। ये हमारा आ गया जोर गेट। जोर गेट के लिए भाई हमने क्या चीज याद रखनी है? जोर गेट के लिए जो हमारे पास फ्रेज यूज होगा वो क्या है कि भाई अगर हमारा इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट जीरो होगा, डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा भाई? वन होगा। जोर गेट का जो बूलियन सिंबल है वो ये है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। सेम इनपुट आउटपुट जीरो, ये दोनों सेम इनपुट है, आउटपुट क्या आ गया? जीरो आ गया।
सेम इनपुट है, आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया, बाकी जो बचा वो 1। क्या है चीज क्लियर हुई? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई 9 पे। तो नॉर गेट के लिए जो बूलियन सिंबल है हमारे पास वो ये है कि ए प्लस बी पूरे पे नॉट, ठीक है, ए प्लस बी पूरे पे नॉट, यानी जो भी हमारे पास ए और बी का आंसर आएगा उस पूरे पे हमने क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। इसके लिए क्या फ्रेज यूज करना है? अगर एक भी बना रहे तो आउटपुट 0। सो और मैम क्या करते थे, और के अंदर अगर एक भी बनाता था तो हमारा आंसर क्या हो जाता था भाई, 1 हो जाता था। अब इसका ऑपोजिट होगा, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे पास पूरे इस जो भी चीज हम ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर नॉट गेट लग रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई 0 प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन क्योंकि इस पे नॉट गेट लग गया है तो ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 1 के अंदर, ठीक है। सिमिलरली 0 प्लस 1 हमारा आंसर क्या होगा, 1, नॉट गेट लगा ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। ये चीज क्लियर हुई? देख लो यहाँ पर क्या हो रहा था, एंड गेट के अंदर एक भी अगर 0 आ रहा था तो आउटपुट क्या आ रहा था, 0। एंड गेट में क्या होगा भाई, एक भी आउटपुट 0 आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1। इसको इस तरीके से समझो कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी पूरे के ऊपर नॉट, ठीक है, ए एंड, ठीक है। सो अब इसको इस तरीके समझो कि भाई ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद इसके ऊपर नॉट गेट लगेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर क्या होता, 0, नॉट गेट लगा आंसर क्या हो गया, 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, नॉट गेट लगा आंसर क्या हो गया, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, नॉट गेट लगा आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, नॉट गेट लगा 0, ठीक है। जी सर, इसको लिख लो अपने पास, ऊपर वाले लिख लिए, सो अभी हमारे पास कितने टाइप के इसके क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास इसके रिलेटेड ही आ सकता है कि भाई वो हमें लॉजिकल नोटेशन देगा और हमसे डिमांड करेगा कि भाई हमें क्या करने हैं, उसके सर्किट बनाना है। ड्राइंग अ सर्किट फ्रॉम एक्सप्रेशन, ये तुम्हारा अभी मई जून का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो बनाने को, क्या ये तुमसे बन रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, अच्छा इसके जो कॉम्प्लेक्स आएंगे ना, कॉम्प्लेक्स से बटने के लिए तुम्हें क्या करना है, एक चीज को आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट वाला गेट कौन सा होगा, ठीक है। क्या मतलब कि भाई हमें इस साइड से मूव करना है, अभी हमारे पास कितने ब्रैकेट हैं, टोटल 2 ब्रैकेट हैं, अगर ये 2 ब्रैकेट को कौन जोड़ा है यहाँ पर, एंड जोड़ा है, बहुत दफा ऐसा होगा कि भाई हमारे पास ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट होगा, फिर यहाँ पर एक और गेट लगा हुआ होगा एंड एक और ब्रैकेट होगा, तो उस टाइप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई,
जाकर सबसे पहला एंड गेट या सबसे पहला गेट ढूंढना है जो कि ब्रैकेट्स को एक दूसरे से मर्ज कर रहा है। सो जोर गेट है अभी यहाँ पर, सो वी विल मेक अ जोर गेट। नॉट टी देन नॉर पी। हाँ लाइंस स्केल से बनाना, ठीक है। तो हमारे पास क्या था हमारा केस वन, केस टू देख लेते हैं। केस टू के भाई हमें ट्रुथ टेबल बनाना है फ्रॉम लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसको करने की तुम्हारे पास दो टेक्निक हो सकती है भाई, या तो तुम डायरेक्टली इसको पेयर अप करो, इसको नाम दे दो, ठीक है, इस तरीके से, या फिर तुम क्या करो भाई, यहाँ पर सबसे पहली चीज इसको ड्रॉ कर लो। पी क्यू आर है, इसको मैंने कहा पी, देन वी हैव क्यू, देन वी हैव आर। सो पी एंड क्यू आपस में क्या हो रहे हैं भाई, और हो रहे हैं लाइक दिस, नॉट पी और क्यू, देन वी हैव आर एंड नॉर क्यू। नॉर के लिए हमारे पास क्या सिंबल था, ये आर नॉर क्यू, और ये आपस में जाकर क्या होंगे, जोर हो जाएंगे, ठीक है। हमने जल्दी से एक सर्किट बना लिया। अब इसके अंदर हम इसको नेमिंग कर देंगे या नेम्स दे देंगे। तो मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास हो गया ए बी सी और ये मेरा एक्स, ये जेड लिखा हुआ यहाँ पे, तो जेड देन ए बी सी। सो ए तो क्या है भाई, हमारे पास नॉट गेट है, तो नॉट गेट में यानी जो जो पी में लिखा हुआ है उसका इनवर्स करके हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। बी हमारे पास क्या है भाई, ए और साथ ही साथ क्यू, इन दोनों का और है, और में हमने क्या पढ़ा था जल्दी से फ्रेज याद करो। हाँ अगर एक भी बना गया तो आउटपुट वन, तो इस चीज को फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे एक वन आ गया। ए में हमारे पास फर्स्ट फोर वन हैं, तो बी के भी हमारे पास फर्स्ट फोर क्या आ गया, वन आ गया। देन वी हैव लास्ट टू वन ओवर हियर, बीच में हमारे पास जीरो हैं, तो हमने जल्दी से बी को भी फिल कर दिया। देन वी हैव नॉर क्यू का और आर, यानी इन दोनों को नॉर अप्लाई करना है। सबसे पहले और करेंगे फिर उसको चेंज कर देंगे। तो बस हमने भी यही किया, हमने इसको बस नाम दे दिया, ये हमारे पास नॉट पी है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। एज लॉन्ग एज हमारी वर्किंग इस स्पेस के अंदर है, तो एग्जामिनर कुछ भी नहीं बोलेगा। सो नॉर नॉर के लिए हमारे पास अगर एक भी बना रहा था तो आंसर क्या आ रहा था भाई, जीरो आ रहा था। सो नॉर क्यू और आर हो रहे हैं, तो एक भी बना आंसर क्या होगा भाई, जीरो। जहां जहां बना रहे वहां वहां मैंने क्या डाल दिया भाई, जीरो डाल दी। अब जो जगह बची है वहां पर हम वन डाल देंगे। वी हैव बी वी हैव सी, इन दोनों को क्या करना है भाई, जॉल करना है। सेम है, आंसर क्या था, जीरो। तो जहां जहां वैल्यू सेम है वहां वहां जीरो डाल देंगे। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, देन दिस वन इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं केस थ्री पे। केस थ्री क्या है कि भाई वो हमें बोले कि वी हैव सर्किट और हमें क्या बनाना है, उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, या फिर सबसे पहले कर लेते हैं ट्रुथ टेबल। फ्रॉम सर्किट, चलो सर्किट मैंने कहा कि भाई ये वाला सर्किट लो, सो
ए बी सी एंड एक्स। तुम्हें सर्किट दिया हुआ है, तुम्हें क्या बनाना है भाई? ट्रुथ टेबल बनाना है। चलो सो अब इसको बनाते हैं भाई, पी क्यू एंड आर। सो नाम दे देंगे ए बी एंड सी। ए में क्या होगा भाई? हाँ जोर। सो जहां जहां सेम है वहां वहां क्या आएगा? जीरो। फिर उसके बाद बी, बी में क्या हो रहा है भाई? नॉर। क्यू और आर नॉर हो रहे हैं। नॉर में हमने क्या बोला था? सबसे पहले और गेट लगेगा फिर नॉर। हाँ अगर एक भी वन हमारे पास आ गया तो वन, ये है और गेट का। नॉर गेट के लिए हमने देखो यहाँ पे क्या बोला था, एक भी वन तो आउटपुट जीरो। सो बी में अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर हमारे पास एक भी वन नहीं है। सो एक भी बना रहे हैं हमारे पास तो हम आउटपुट क्या लिख रहे हैं? जीरो। देन वी हैव सी। सी में क्या हो रहा है भाई? ए और बी आपस में एंड हो रहे हैं। सो ए एंड बी आपस में क्या हो रहे हैं भाई? एंड हो रहे हैं। एंड करने के लिए एंड का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। ये तो हमारे पास क्या गया, हमारा अगला केस भी हो गया। चलो अगली चीज जो हमने देखनी है वो है लॉजिक एक्सप्रेशन। फ्रॉम सर्किट, चलो भाई सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पर देखी सर्किट को है वो देखते हुए क्या हमें है क्या कि करना है जो भाई? भी हमारे पास एक्सप्रेशन क्रिएट राइट करनी है। मोस्ट वी गेट है, यूजिंग द सेम जैसे कि सर्किट। यहाँ पर एक्स के पास जो हमारे पास राइट मोस्ट गेट है वो कौन सा है? एंड। सबसे पहले हमने इस गेट को लिख लेना है अपने पास, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस गेट को अपने पास लिख लेना है एंड करके। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसके अराउंड दो ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट में हमारे पास एक गेट आएगा जो उससे लिंक है, और दूसरे ब्रैकेट में दूसरा गेट आएगा, जैसे क्यू नॉर आर, ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में पी जॉर क्यू, ठीक है। जॉर गेट है तो पहले जॉर गेट लिखा और फिर उसके अराउंड दोनों चीजें लिख दी। तो ये हमने अपना केस फोर भी कर लिया। चलो एक और केस बाकी है, दैट इज बूलियन अलजेब्रा। ये हमारा केस फाइव। नहीं, इसमें हमें बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। जो हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है ना, अच्छा हमें सी वाला, क्रिएट करनी। हाँ सो ए बी सी एंड आउटपुट एक्स। ए बी सी उसी तरीके से फिल होंगे, 0101 0001। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास क्या आ गया भाई? इसका आउटपुट आ गया। अब जब हमें बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है
तो हमें एक चीज याद होनी चाहिए कि भाई जो भी हमारे जो गेट थे उसके लिए क्या सिंबल्स हम यूज कर रहे थे, क्योंकि दैट्स गोना हेल्प अस। सो जहां जहां आउटपुट में, ठीक है, जहां जहां आउटपुट में हमारे पास क्या लिखा हुआ हो, वन लिखा हुआ हो, उस एरिया को हमने सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करना है, जैसे कि ये वाला एरिया, ठीक है, उसको पेंसिल से हाईलाइट कर लेना या फिर अपने पास टिक लगा लेना। इस तरीके से जहां जहां वन है उसको मैंने अभी क्या कर लिया भाई, हाईलाइट कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है कि भाई अगर हमारे पास जीरो लिखा हुआ है, कि अगर हमारे पास किसी भी गेट के ऊपर जीरो लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या यूज होगा, नॉट। अगर हमारे पास किसी भी गेट पर जीरो लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इस गेट का क्या है, नॉट। सो रिप्रेजेंटेड एज ए नॉट, यहाँ पर जीरो है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज बी नॉट। तो भाई अब हमें क्या करना है, अब हमें बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, जहां जहां जीरो है वहां पर उस गेट का क्या आ जाएगा भाई, नॉट आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास जीरो है, सो इट वुड बी ए नॉट। अच्छा, जब हम इस तरीके से मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जब हम क्या करेंगे भाई हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखो कि भाई जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे वी विल गेट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई लाइक दिस। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन क्या है, डॉट। जब हम वर्टिकली मूव करेंगे तो हमारे पास क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। पहले तीनों हमारे पास क्या है, जीरो है, तो इसका सबसे पहला हमारे पास क्या बनेगा, ए नॉट मल्टीप्लाई बाय बी नॉट मल्टीप्लाई बाय सी नॉट प्लस, ठीक है, ये हमने एक लिख लिया। ये हमने एक रॉ कंप्लीट कर ली। अब आएंगे इन पे, वी हैव 0 1 0 0 1 0 लिखेंगे हम सेम इसी तरीके से। पता फर्क क्या होगा कि जहां पर हमारे पास वन है वहां पर उस चीज पे से हमने जो नॉट है उसको रिमूव कर देना है। जैसे कि बी, मैंने क्या किया भाई, ये बन गया हमारे पास क्या, ये वाली रो, ए नॉट बी सी नॉट, ठीक है, देन वी हैव अनदर प्लस। अगली रो देखते हैं, इसमें बी और सी पे हमारे पास वन है, यानी बी और सी के ऊपर से हेड हम रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस रो, ए नॉट मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, देन एक और प्लस, इसमें देखो भाई इसमें हमारे पास ए पे से कैप रिमूव होगी और सी पे से कैप रिमूव होगी, तो यहाँ पे क्या किया, ए सी पे से कैप रिमूव कर दी और ए पे से कैप रिमूव कर दी, तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, ये वाली रो। अब इस रो में हमारे पास सब वन है, सब वन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब पे से कैप रिमूव करनी पड़ेगी। ये हमारे पास क्या बन गया, बूलियन एक्सप्रेशन बन गया। चीज क्लियर हो गई, ठीक है, ये चीज भी लिख लेना।